फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सुगंधा और आज हम बनाने वाले हैं फलाहारी उत्पम। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप सामक चावल जिसको मैंने 2 से 3 घंटा सोक किया है, 1/2 कप साबूदाना जिसको भी मैंने 2 से 3 घंटा सोक किया है, 1 मिक्सर ग्राइंडर में जो सोक साबूदाना था उसका पानी ड्रेन करके मैं डाल दूंगी एंड वील मेक अ स्मूथ पेस्ट आउट ऑफ इट। इसके लिए थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। साबूदाने का पेस्ट तैयार है। अब हम ऐसे ही सामक चावल का भी पेस्ट बना लेंगे। एक्सेस वाटर ड्रेन करके वील पुट द सामक चावल इन द ग्राइंडर, एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ स्मूथ पेस्ट आउट ऑफ इट। अब एक बड़े मिक्सिंग बोल में दोनों पेस्ट को मिला लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी करीब 1.5 बड़े चम्मच दही के। सेंधा नमक स्वाद अनुसार, रेड चिली पाउडर, इसकी जगह आप काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके साथ मैंने डाला है 1 छोटी चम्मच बारीक कटी हुई अदरक और 2 छोटी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। लेट्स मिक्स इट। ये हमारा उत्पम का बैटर तैयार हो चुका है। अब एक नॉनस्टिक पैन पे मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूं और जब ये तवा गर्म हो जाएगा तो हम इस पे उत्पम बनाएंगे। तवा गर्म हो चुका है, इस पे 1 कड़छी जो हमने बैटर बनाया था उसको डाल के इवनली स्प्रेड कर देंगे। थोड़ा सा ऐसे कड़छी से घुमा लीजिए टू गिव इट अ राउंड शेप। अब जब ये हाफ कुक हो जाएगा तो हम इस पे थोड़ा सा घी डाल के ड्रिजल कर देंगे और बारीक कटा हुआ टमाटर, उसके साथ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और रोस्टेड पीनट्स विल गिव अ क्रंच टू द उत्तपम। अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी चाहते हैं तो थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी स्प्रेड कर दीजिए। ये हाफ कुक हो चुका है। अब हम इसको पलट लेंगे। करीब 3 से 4 मिनट तक ये एक साइड से पकेगा। उत्पम रेडी है, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इसको मैं सर्व कर रही हूँ फलाहारी ग्रीन चटनी के साथ में। आप चाहें तो थोड़ा सा दही भी ले सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।